स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल प्रॉपर्टी गुरुजी के ऊपर। दोस्तों आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट हाउस दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंडिपेंडेंट घर लेके आया हूं जो कि आप 130 गज में रहेगा। आप मेरे बैक साइड में देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत एलिवेशन का ये आपका घर रहेगा। अगर मैं इसके घर को डिस्क्राइब करूँ उससे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन क्लियर करना चाहूँगा। ये जो लोकेशन आपकी रहेगी सेक्टर 123 रहेगा, सन्नी एनक्लेव रहेगा, जो न्यू सन्नी एनक्लेव भी कह सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं एयरपोर्ट रोड से मात्र आपके 200 मीटर की दूरी पे ये आपका ये घर रहेगा जी। आज जो कोठी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी 130 गज में रहेगी। 23.5 फीट का इसका फ्रंट रहेगा, 50 फीट की इसकी डेप्थ रहेगी। बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ इसमें काम किया गया है और आयरन का वर्क इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पिलर्स पे भी आपकी जो है टाइल्स काफ़ी सुंदर यहाँ पे यूज़ की गई हैं और आपको जो है हैवी आयरन गेट मिल जाएगा जो कि आपकी एंट्री पे रहेगा। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो है गाड़ी की स्पेस आती है, आप इजीली यहाँ पे अपने दो गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक गाड़ी आपकी इधर आ जाएगी और एक बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे भी अपनी जो है प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद आपके ये जो है आप देख सकते हैं आपकी टाइल्स लगाई गई हैं और आपकी फैंसी लाइट्स रहेंगी यहाँ पे। तो बहुत ही खुली डुली आपको जो है पॉर्च एरिया यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयर्स इसकी बाहर से रहेंगी, रेंटल वैल्यू के लिए भी अच्छी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सो एक खास बात इसमें ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो है एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का ग्लास वर्क मिलेगा जिसमें आपके स्टोन्स डाले गए हैं और लाइट का काम किया गया है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है मेन डोर जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आपका यूज़ किया गया है। वाटरप्रूफ आपका डोर रहेगा, फ्लश डोर रहेगा और स्मार्ट लॉक आपको मिल जाएगा जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं और आपका यहाँ पे जो है आप नंबरिंग भी अपनी कर सकते हैं। सो ऐसा डोर मोस्टली घरों में देखने को मिलता नहीं है तो आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक के साथ आपका जो है ये घर रहेगा आज का। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो है एक वाइड स्पेस के साथ जो है हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आता है। 10x23 की इसकी जो है साइज रहेगा, 23 फुट ऐसे इसकी जो है लेंथ रहेगी, 10 फीट का ऐसे आपका जो है विड्थ रहेगी। आपकी जो है डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ की गई हैं प्रॉपर। और इधर आपका जो है हमने एक LED पैनल दिया है कि आप यहाँ पे नीचे कैबिनेट्स भी दिए गए हैं। डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इस घर में जो आपको सबसे बढ़िया चीज़ लगेगी वो इस घर की फॉल सीलिंग लगेगी आपको, चाहे आपके ड्राइंग रूम में हो चाहे आपके बेडरूम में हो आपकी फॉल सीलिंग। ये मैं आपको ड्राइंग रूम की दिखा रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिलेगी। और इसमें जो है आपका काफ़ी हैवी जो है फॉल सीलिंग की गई है। सेंटर में आपका शैंडलर आएगा और फैन की आपकी प्रोविज़न दी गई है। सो दोस्तों आपके ड्राइंग रूम में आपको वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं जिससे आपकी अपीयरेंस और भी ज़्यादा हो जाए आपके ड्राइंग रूम में। और टोटली आपका जो है स्मार्ट होम रहेगा, आप इस घर को जो है अलेक्सा से ऑपरेट कर सकते हैं। सो कहीं पे भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपने घर को ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस घर की और ख़ास बात क्या होगी, इस घर का किचन जो कि आपको बहुत ही स्पेशियस मिलेगा। 23.5 फीट का फ्रंट है तो किचन भी आपको काफ़ी स्पेशियस मिलेगा। आप देख सकते हैं इजीली आप जो है 5 से 6 पर्सन खड़े होकर काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको हम प्रोफाइल लाइट्स के साथ विद कंसील लाइट्स का काम करके दे रहे हैं आपके किचन में। राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको जो है यहाँ पे कैबिनेट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे आपका जो है ड्राई कंसेप्ट आ जाएगा जहाँ पे आपका हॉब आएगा और प्रॉपर आपके कैबिनेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिक आपके यहाँ पे जो है कैबिनेट्स रहेंगे। सो सॉफ्ट क्लोजर के साथ प्रॉपर आपका जो है किचन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको स्पेस की कहीं पे भी कमी नहीं आएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके जो है यहाँ पे कैबिनेट्स रहेंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चूज़ किया गया है। यहाँ पे आपका वैटिक का कंसेप्ट आ जाएगा जिसमें आपको जो है प्रॉपर हाइड्रोलिक फिर से कैबिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक रहेगी, आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स लग जाएंगी यहाँ पे। इधर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं अपने सामान को कैरी करने के लिए, ये देखिए। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे भी आपको जो है हम एक्स्ट्रा पेंट्री सेक्शन दे रहे हैं जिसमें आप अपना जो है सामान को ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी इधर आपको स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना ओवन वगैरह को कैरी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा किचन का सेक्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बेडरूम में जो कि हमारा रहेगा 12x13 का। बहुत ही स्पेशियस आपका बेडरूम रहेगा और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले तो हम वार्डरोब्स को कवर करते हैं। जो आपके वार्डरोब्स रहेंगे स्लाइडिंग आपके वार्डरोब्स रहेंगे जी यहाँ पे, ये देखिए। स्पेस आपको बहुत ही सुंदर मिल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे आपका ओपन में कैबिनेट स्पेस दिया गया है और फुल हाइट तक के आपके यहाँ पे कैबिनेट्स रहेंगे।
इसके मैचिंग का आपको जो है यहाँ पे हम वॉलपेपर करके दे रहे हैं आपके जो बेडरूम में रहेगा। और यहाँ पे आप देखिए फॉल सीलिंग आपको अगेन फिर से अच्छी में यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पे हम आपको LED पैनल भी दे रहे हैं जिसमें आप अपनी आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी, आप अपने सामान को भी कैरी कर सकते हैं। सो प्रॉपर आपकी डक्टिंग रहेगी AC की, आप देख सकते हैं ऊपर स्प्लिट AC की हम डक्टिंग करके दे रहे हैं। और ये हमारा साथ में पास का स्पेशियस वॉशरूम आ जाएगा सो जिसमें आपकी अभी सैनिटरी की जो है प्रॉपर जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी यहाँ पे, और फुल हाइट तक की आपकी टाइल्स रहेंगी और आपको ऊपर जो है फॉल सीलिंग भी वॉशरूम में मिलेगी। सो उसके साथ ही जो है यहाँ से हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा क्योंकि बहुत ही स्पेशियस रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। और वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे जो रहेगी आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो प्रॉपर रहेगी वेंटिलेशन। सो ये था गाइस हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फ्लोर सेकंड बेडरूम में जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा। सो अब हम एंटर कर चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम में जो कि हमारा 12x13 का रहेगा। सो इसमें भी आपके जो है बहुत बड़े साइज के आपको जो है वार्डरोब्स मिल जाएंगे, स्लाइडिंग आपके वार्डरोब्स रहेंगे, डबल लैमिनेटेड आपके वार्डरोब्स रहेंगे और फुल हाइट तक के आपके जो है यहाँ पे वार्डरोब्स रहेंगे। उसके बाद हमारा वॉलपेपर आ जाएगा जो कि बहुत ही आपका सुंदर लगाया गया है आपके मैचिंग वार्डरोब के साथ रहेगा। और LED पैनल भी आपको जो है अलग डिज़ाइन का यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आपको कैबिनेट स्पेस मिल जाएगी। और फॉल सीलिंग भी आपको यहाँ पे विद कंसील लाइट्स के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। तो ये वॉशरूम आपको बहुत ही सुंदर तैयार किया गया है, इसमें जो टाइल वर्क है आपका अलग कंसेप्ट का यूज़ किया गया है जी। और यहाँ पे आप देखिए ड्यूअल टोन में आपकी यहाँ पे टाइल्स रहेंगे और फुल हाइट तक की आपकी टाइल्स रहेंगी। सो ये भी आपका वॉशरूम का साइज 7x5 का रहेगा, इधर से भी आपकी जो है वॉशिंग एरिया को एंट्री हो जाएगी। सो ये था फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन जहाँ पे हमने कवर किया है 2BHK। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पे हम अब कवर करेंगे 2BHK अगेन। सो ये कोठी आपकी 4BHK रहेगी। सो स्टेयर्स की बात करूँ, ब्लैक कलर का आपका ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, स्टेनलेस स्टील की आपकी यहाँ पे रेलिंग रहेगी। स्टेयर्स को भी जो है इजीली बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे कि आपकी जो है स्मूथ रहेंगी आपको चढ़ने में। सो ये आपका जो है यहाँ पे बाहर का बालकोनी स्पेस आ जाएगा जहाँ पे आप खड़ के मौसम का आनंद भी ले सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। सो ये वाली स्टेयर्स हमने आपको बाद से दे दिए कि ऊपर आपकी जो है फर्दर कंस्ट्रक्शन हो जाए। सो अगेन हमारा यहाँ पे प्लस डोर आएगा जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहेगा। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेआउट में आपको चेंज दे रहे हैं, आपका ओपन में किचन का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे जो कि आपका सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेगा प्रॉपर। और यहाँ पे हम आपको प्रोफाइल लाइट्स के साथ कंसील लाइट्स दे रहे हैं आपकी प्रॉपर। सो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा अगर आप कैरी करना चाहें। सो अगेन हमारा ड्राइंग रूम आ जाएगा जो कि आपका 10x23 का रहेगा यहाँ पे ड्राइंग रूम। इसमें आपकी जो फॉल सीलिंग आपको बहुत ही शानदार मिलेगी, सिंपल एंड सोबर रहेगी, प्रोफाइल लाइट के साथ रहेंगी, कंसील लाइट्स रहेंगी आपकी। और ये आपका जो है 10x23 का ड्राइंग कम डाइनिंग रूम आ जाएगा। और यहाँ पे हम आपको LED पैनल दे रहे हैं जिसमें आपकी कैबिनेट स्पेस आ जाएगी, ये रखे हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो ये हमारा बेडरूम आ जाएगा। वॉलपेपर देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे आपका वॉलपेपर लगाया गया है जी। और सेम आपको वार्डरोब्स मिलेंगे यहाँ पे जो कि स्लाइडिंग्स रहेंगे, अच्छे स्पेस के साथ आपके वार्डरोब्स रहेंगे और यहाँ पे ओपन कैबिनेट स्पेस आ जाएगी और फुल हाइट तक के आपके वार्डरोब्स रहेंगे। और इसकी फॉल सीलिंग में आपको ना बहुत सुंदर मिलेगी ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले, आपकी यहाँ पे फॉल सीलिंग बहुत ही अट्रैक्टिव की गई है। और उसके बाद हमारा ये अगेन वॉशरूम आ जाएगा जिसमें आपका टाइल का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया चूज़ किया गया है जी। और ये आपका 7x5 का वॉशरूम रहेगा स्पेशियस। इसके साथ ही हमारा जो है पीछे का वॉशिंग एरिया आ जाएगा। सो ये आपकी वॉशिंग एरिया आ जाएगा पीछे का। सो ये बेडरूम जो साइज आपका रहेगा 12x13 का इसका जो है बेडरूम साइज रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट बेडरूम में जो कि हमारा फोर्थ बेडरूम होएगा। सो वो भी आपका 12x13 का जो है यहाँ पे बेडरूम का साइज रहेगा। तो आप वार्डरोब्स देख सकते हैं काफ़ी वाइड हैं आपके, आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है और फुल हाइट तक के आपके जो है ये वार्डरोब्स रहेंगे। स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, इजी हैं आपके लिए कि आप वार्डरोब्स को ओपन कर सके और डबल लैमिनेटेड आपके वार्डरोब्स रहेंगे। सो गाइस ये देखिए वॉलपेपर आपका
तो वॉलपेपर अगेन आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे चूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपकी जो है फॉल सीलिंग बहुत ही अट्रैक्टिव की गई है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे को फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है फॉल सीलिंग ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले काफ़ी जो है अट्रैक्टिव नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा सिस्टम है कि आपको ऊपर बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग। ये था हमारा बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अटैच वॉशरूम में। सो यहाँ पे भी अगेन आपका जो है टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया चूज़ किया गया है और अट्रैक्टिव आपकी टाइल्स लग रही है, फुल हाइट तक की आपकी टाइल्स रहेंगी। इसके वॉशरूम का साइज़ आपका अगेन रहेगा 7x5 का। सो यहाँ पे भी आपकी जो है एंट्री रहेगी आपकी पीछे के वॉशिंग एरिया को। सो फ्रेंड्स, ये था आपका जो है सेकेंड फर्स्ट फ्लोर का जहाँ पे आपने देखा 2BHK। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जहाँ पे आपकी जो एंट्री रहेगी और ऊपर का स्पेस रहेगा जहाँ पे आप अपना जो है फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर आप थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहे। सो यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप अपनी जो है रेंटल वैल्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। सो हमने प्रॉपर आपको स्टेयर्स बना के दे दिए हैं यहाँ पे। सो ये देखिए आपका ऊपर का स्पेस आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी गर्ल को फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपका जो है प्रॉपर स्पेस आ जाएगा। सो इधर भी आपको प्रॉपर जो है स्पेस मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 120 गज में सुंदर इंडिपेंडेंट हाउस जो कि आपका सेक्टर 123 में रहेगा और ये आपका 4BHK का घर रहेगा जी। रेडी टू मूव आपका ये जो है ऑप्शन रहेगा। और अगर मैं बात करूँ, ये आपकी ईस्ट फेसिंग में भी आपको मिल जाएगा और वेस्ट फेसिंग में, दोनों में आपके ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। सो अगर इसके मैं प्राइस की बात करूँ, जो इसका प्राइस रहेगा 92 लाख रुपीज़ रहेगा और लिमिटेड सी इन्वेंट्री बची है हमारे पास। सो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप हमारे चैनल पे सुंदर से सुंदर वीडियोस देख सकते हैं। सो मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।